सो हेलो लर्नर्स, वेलकम टू IAS मैराथन, वेलकम बैक एंड दिस पर्टिकुलर लेसन. जहाँ पर हमने लास्ट लेसन में छोड़ा था वहीं से ही पकड़ेंगे और वहीं से स्टार्ट करेंगे. वेकेटिंग ऑफ द सीट्स, चैप्टर 22 चल रहा है, पार्लियामेंट में हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर. यानी कि किन केसेस के अंदर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपनी सीट को वेकेट करता है या फिर सीट वेकेट हो जाती है. पहला, डबल मेंबरशिप. पहले पॉइंट आता है डबल मेंबरशिप. अगर एक पर्सन, मतलब ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि एक पर्सन दोनों हाउसेज की सीट से एट द सेम टाइम इलेक्ट हो जाए, है ना. अलग अलग टाइम पे हो सकता है. यानी कि अगर कोई मेंबर राज्यसभा का था तो 5 साल पहले, तो आज वो लोकसभा का हो सकता है, राज्यसभा का हो सकता है, इस तरीके से. दस द रिप्रेजेंटेशन एक्ट जो है 1951 का, वो कुछ कंडीशंस यहाँ पे देखता है. वो ये है कि पहला, अगर कोई पर्सन दोनों ही सीट्स ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट से इलेक्ट हो जाता है ना, तो 10 दिन के अंदर अंदर उसको किसी भी हाउस का पार्ट मेंबरशिप छोड़ना पड़ेगा, है ना. और डिफ़ॉल्ट अगर हम माने तो मतलब जो डिफ़ॉल्ट यहाँ पर इंटीमेशंस हैं, सेट प्रोसीजर्स हैं, उसके अकॉर्डिंग राज्यसभा की सीट ही मोस्ट ऑफ द टाइम वेकेट होती है. या फिर देखो, अगर कोई कोई हाउस का मेंबर यानी कि सिटिंग मेंबर है, वो किसी दूसरे हाउस में इलेक्ट हो जाता है, तो उसका जो पहले हाउस की जो सीट है ना, वो वेकेंट हो जाएगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर राज्यसभा कि कोई मेंबर है ना, अगर वो मतलब जो सिटिंग मेंबर है ना, अगर उनका इलेक्शन होता है राज्यसभा में, वो इलेक्ट हो जाते हैं, तो उनकी राज्यसभा की सीट रद्द हो जाएगी, राइट. उनकी मेंबरशिप खत्म हो जाएगी. नेक्स्ट बात करते हैं हम, अगर कोई पर्सन एक ही हाउस की दो दो सीट से लड़ता है, दोनों सीटों पर जीत जाते हैं, तो उनके पास ऑप्शन होते हैं कि वो अपनी एक सीट को वैकेंट कर दें, और अगर ऐसा नहीं कर पाता ना, तो उनकी दोनों सीटें वैकेंट हो जाती हैं. सिमिलरली मान लीजिए कि कोई पर्सन पार्लियामेंट की सीट पर इलेक्ट हो गया, लेकिन वो स्टेट ले लीजिए कि सीट पर भी इलेक्ट हो गया, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है. एट द सेम टाइम या तो वो पार्लियामेंट का मेंबर बन जाएगा, या फिर वो स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर बन जाएगा, या तो MLA बनेगा या MP बनेगा. ये चॉइस उन्हीं पे डिपेंड करती है, राइट. अगर कोई पर्सन हो जाता है स्टेट लेजिस्लेचर में भी और पार्लियामेंट में भी, तो उसकी पार्लियामेंट की सीट जो है वो वैकेंट हो जाएगी, है ना, अगर उसने रिज़ाइन नहीं किया तो स्टेट लेजिस्लेचर की सीट से विद इन द 14 डेज. इसके अलावा हमने डिस्क्वालिफिकेशन पढ़ा था कि कौन कौन सी बेसिस पे, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंबर मेंशन है उसके बेसिस पे भी डिस्क्वालिफिकेशन पॉसिबल है. और 10th शेड्यूल तो ही से फिर एंटी डिफेक्शन लॉ, राइट. उसके अलावा अगर कोई मेंबर रिज़ाइन करता है, वो अपना रेजिग्नेशन किसको देगा, राज्यसभा के केस में चेयरमैन को और लोकसभा के केस में स्पीकर को, तो उनकी सीट्स वैकेंट हो जाएगी, है ना, अगर रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो. हावेवर, चेयरमैन और स्पीकर मे नॉट एक्सेप्ट द रेजिग्नेशन इफ ही सेटिस्फाइड दैट इट इज़ नॉट वॉलेंटरी और जेन्यून. यानी कि मान लीजिए उनको कोई इसके अंदर पॉलिटिक्स इंक्लूड लगती है, तो वो डेफिनेटली एक्सेप्ट नहीं करते हैं, है ना. हुआ था रिसेंटली भी, ये केस हुआ था दूसरी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, ऐसा होता रहता है. चेयरमैन और स्पीकर इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं करते हैं अगर उनको एंटी डिफेक्शन लगता है तो. डिफेक्शन का अगर कोई केस लगता है या फिर पार्टी पॉलिटिक्स इंक्लूड है, तो वो इसमें एक्शन लेते हैं. और जिस पार्टी का वो मेंबर है ना, उस पार्टी जो अग्री पार्टी है, वो सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ अपील कर सकती है, राइट. ओथ और अफर्मेशन की हम बात करें तो वही बात है कि ओथ कौन लेते हैं, जो थीस्ट होते हैं, अफर्मेशन वो लेते हैं जो एथीस्ट होते हैं. अब वही वाली इसके अंदर ओथ ओथ ली जाती है, मैंने पहले डिस्कस किया. लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात कि अगर किसी मेंबर ने ओथ नहीं ली, तो वो वोटिंग भी नहीं कर सकता, वो प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकता, है ना. और वो पार्लियामेंट्री या प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज जो मिलती है उनके लिए भी वो एलिजिबल नहीं होता, तो वो ओथ नहीं ले लेता. हालांकि ऐसा नहीं है कि जिस दिन सब MPs ओथ ले रहे हैं उसी टाइम सभी को कंपलसरी है, कंपलसरी नहीं है, बाद में भी ले सकते हैं अगर वो अवेलेबल नहीं है तो. देखिए, एक कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को 500 रुपये की पेनल्टी लग सकती है हर दिन. कब, किन सिचुएशंस में, वो हम सिचुएशन यहाँ पे देख रहे हैं. मान लीजिए उन्होंने ओथ नहीं लियो,
अफर्मेशन नहीं लिया हो, ठीक है, अगर उसके पहले वो इस तरीके के काम करते हैं, प्रोसीडिंग करते हैं, तो 500 रुपये की पेनल्टी उन पर लगेगी। सेकेंड, जब उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ द हाउस, तब भी उन पर पेनल्टी लगती है। और जब इनको लगता है कि लगता नहीं, इनको पता चलता है कि उनकी सिटिंग और वोटिंग प्रोहिबिट कर दी गई है हाउस से बाय द वर्च्यू ऑफ एनी पार्लियामेंट्री लॉ, तब भी ये पेनल्टी का प्रोविजन पे अप्लाई होता है। देखिए, ये वाला पोर्शन ऐसा है ना, सैलरी अलाउंस का क्वेश्चन नहीं आता है, इसलिए इसको पढ़ने की जरूरत नहीं। बस इतना जान लो कि 2018 में इनकी सैलरीज बढ़ा करके 1 लाख पर मंथ कर दी गई, और जस्ट और कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंसेज 70,000 पर मंथ कर दी गए। उसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं सैलरी अलाउंसेज, ये सब आप देख लो, डेली अलाउंसेज वगैरह, इसको आप एक बार नज़र दो डालो, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रोसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द पार्लियामेंट देखते हैं, स्पीकर होते हैं लोकसभा के अंदर, और ये स्पीकर कहाँ सेलेक्ट होते हैं, लोकसभा के मेंबर्स में से ही इन्हीं को चूज़ किया जाता है ना, जस्ट जल्द से जल्द इसको इनको इलेक्ट किया जाता है, जब फर्स्ट सिटिंग होती है इसी के बाद से। जब भी स्पीकर की सीट वैकेंट होती है, तो उनके लिए दूसरे मेंबर को वहाँ पर इलेक्ट किया जाता है टू फिल द वैकेंसी, राइट। डेट ऑफ इलेक्शन ऑफ स्पीकर कौन फिक्स करता है, प्रेसिडेंट, ये राष्ट्रपति की जिम्मेदारी है, राइट। यूजुअली देखा जाए तो स्पीकर जो है वो एक लाइफ ऑफ लोकसभा के टाइम तक रहता है, यानी कि अगर एक बार इलेक्ट कर लिया तो 5 साल वो रहेंगे, है ना, लेकिन वो वैकेट कर सकते हैं 3 केसेस में। पहला केस आता है कि वो लोकसभा के मेंबर नहीं रहे हैं अब, है ना, या फिर वो रिज़ाइन कर दे डेप्यूटी सेक्रेटरी डेप्यूटी स्पीकर को। एंड थर्ड, इनको रिमूव कर दिया जाए और रेजोल्यूशन के थ्रू, है ना, यानी कि जो मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स है वो नहीं चाहते कि ये सीट पर रहें, स्पीकर बने रहें, ठीक है। तो ऐसा तो अभी तक हुआ नहीं, और इस तरह के रेजोल्यूशन पास करने के लिए 14 दिन का एडवांस नोटिस दिया जाता है, प्रोसीडिंग्स होती हैं जिसमें स्पीकर खुद राइट प्रेजेंट होते हैं इन द प्रोसीडिंग्स, हालांकि वो प्रिसाइडिंग करते हैं लेकिन प्रेजेंट रहते हैं, वोट भी कर सकते हैं, है ना। रोल पावर फंक्शन क्या होते हैं कि स्पीकर हेड ऑफ द लोकसभा होते हैं, है ना, और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के भी यही हेड होते हैं, तो ये गार्डियन है पावर ऑफ द प्रिविलेज पावर एंड द प्रिविलेजेस ऑफ द मेंबर हाउस एज अ होल एंड द कमिटीज के, ठीक है। प्रिंसिपल स्पोक पर्सन होते हैं, एंड इन्हीं के डिसीजन फाइनल होते हैं किसी भी पार्लियामेंट्री मैटर को लेकर के, अगर हम बात करें तो। अपनी पावर कहाँ से ड्राइव करते हैं, पहला कॉन्स्टिट्यूशन से, दूसरा रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा, ठीक है। थर्ड है पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस, जैसे कि कोई रूल्स हैं वो लिखे हुए नहीं हैं लेकिन अनस्पेसिफाइड है ना, लेकिन वो चले आ रहे हैं, है ना, जब से सीट्स हुई हैं, कॉन्स्टिट्यूशन आए, जब से चले आए हैं। देखो, इसके अंदर नेक्स्ट बात हम करते हैं, ज्वाइंट सिटिंग में ये प्रिसाइड करते हैं, मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है, ही कैन अलाउ सीक्रेट सिटिंग इन द हाउस, यानी कि जो लीडर ऑफ द हाउस है वो उनके उनकी उनको बेसिकली परमिशन लेनी पड़ेगी स्पीकर की, अगर हाउस को सीक्रेट में यहाँ पर चलाना है तो, जैसे कि कोई स्ट्रेंजर नहीं आएगा, कोई चैम्बर या गैलरी में, लॉबी में, ये सब बैठे नहीं रहेंगे उस टाइम पे। हालांकि इन दी अगर हम बाय डे टू डे पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग्स में बैठ सकते हैं लोग, जैसे मीडिया वाले भी होते हैं, इंटरनेशनल मीडिया वाले लोग भी होते हैं ये सब। और जब हम बात करते हैं कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं, तो उसमें भी इन्हीं का डिसीजन फाइनल होता है ना। एक्चुअली ये डिसाइड करते हैं कि क्या जो क्वेश्चन होते हैं डिस्क्वालिफिकेशन कोई भी मेंबर का लोकसभा में, तो उससे रिलेटेड डिफेक्शन के क्या ग्राउंड होंगे, उन सब के बारे में प्रोविजन जो 10 शेड्यूल के अंदर मेंबर मेंशन है उसके बारे में, तो इन्हीं यही डिसाइड करते हैं उस मैटर में भी। जैसे 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये जो डिसीजन होगा ना स्पीकर का, वो जुडिशियल रिव्यू उसका हो सकता है, ये कहा था, है ना। नेक्स्ट, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप का, जो कि वर्ल्ड लेवल पर प्रेजेंट करता है इंडियन लेजिस्लेटिव कल्चर को, राइट। एंड ही ऑल्सो एक्ट्स एज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन एंड ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लेजिस्लेटिव बॉडीज इन द कंट्री, राइट। उसके अलावा ही अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ ऑल द पार्लियामेंट्री कमेटी, जो कि लोकसभा के अंदर बनती है ना, एंड उनकी फंक्शनिंग को भी सुपरवाइज करता है। ये खुद चेयरमैन होता है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के, रूल्स कमेटी के एंड जनरल पर्पज कमेटी के। इंपॉर्टेंट हाईलाइट कर लो, मार्क कर लो, स्टार लगा लो, जो भी करना आपको कर सकते हो, ठीक है। तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, इसके अलावा रूल्स कमेटी एंड द जनरल पर्पज कमेटी के ये चेयर होते हैं। अब इनकी इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शलिटी को बताने के लिए यहाँ पर कुछ प्रोविजंस किए गए हैं, जैसे कि लोकसभा में इनको सिक्योरिटी द टेन्योर है, हटा नहीं सकते इससे आसानी से, स्पेशल मेजोरिटी से अगर रेजोल्यूशन ला कर करा सको आप तो करा लो, हटा दो, आज तक ऐसा नहीं हुआ। यानी कि सैलरीज कंसोलिडेटेड फंड से दी जाती है, आप सब पढ़ लो, है ना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए मैं नहीं करा रहा। सेवन्थ इन प्रेसिडेंस में इनको काउंट किया जाता है,
ठीक है, अलॉन्ग विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. ठीक है, द लिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट्स आपने देखा होगा, पहला कौन होता है आपके, प्रेसिडेंट होते हैं, फिर वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, इस तरीके से. तो ये सेवन्थ है उसमें. अब स्पीकर को असिस्ट करने के लिए डेप्यूटी स्पीकर भी होते हैं. असिस्ट इन द सेंस, अगर मान लीजिए कभी रोज हमारे स्पीकर साहब एबसेंट हुए तो कौन चेयर करेगा, चेयर खाली तो नहीं रह सकती ना, बिल्कुल. तो डेप्यूटी स्पीकर को भी अपॉइंट किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है. तो ये जो होते हैं वो लोकसभा में इनका इलेक्शन होता है ना, वही मेंबर्स में से. और इनका इलेक्शन होता है आफ्टर द इलेक्शन ऑफ द स्पीकर, है ना. सो डेट ऑफ द इलेक्शन इसकी भी कौन कर, इसकी स्पीकर फिक्स करते हैं. और जब भी बात आती है ऑफिस ऑफ द डेप्यूटी स्पीकर की, फॉल्स वैकेंट दी लोकसभा इलेक्ट्स अनादर मेंबर. ओके, सेम ही है जो डिस्क्वालिफिकेशन क्वालिफिकेशन ने इसमें देखी थी कि स्पीकर भी किसको देता है रेजिग्नेशन, हमारे स्पीकर को. अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको बता दूँ कि मान लीजिए जॉइंट सिटिंग हुई और उस टाइम पे स्पीकर ऑफ द हाउस लोकसभा एबसेंट है तो ये करेंगे उसको चेयर, याद रखना है ना. नेक्स्ट, डेप्यूटी स्पीकर है ना, सबऑर्डिनेट नहीं होते हैं स्पीकर के ये, क्योंकि ये डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं हाउस से, राइट. तो सबऑर्डिनेशन का यहाँ पे भाव नहीं है. देखो एक फ़ायदा है डेप्यूटी स्पीकर का, वो एक स्पेशल प्रिविलेज होता है कि जब भी ये किसी पार्लियामेंट्री कमिटी के मेंबर बनेंगे तो ये ऑटोमेटिकली उसके चेयरमैन बन जाएंगे, राइट. तो ये होता है 2000 आई मीन जो 10th लोकसभा है उस टाइम तक अगर हम देखें तो स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर दोनों ही रूलिंग पार्टी से होते थे. लेकिन 11th लोकसभा से क्या हुआ, ये कंसेंसस बन गया कि स्पीकर तो आपका रूलिंग पार्टी से हो सकता है लेकिन डेप्यूटी स्पीकर जो है वो अपोजिशन पार्टी से होगा, मेन अपोजिशन पार्टी जो होती है. अभी जो स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर है ना, इनका जो ऑफिस ओरिजिनेट हुआ ना इंडिया में वो 1921 में हुआ था, अंडर द प्रोविजन ऑफ जो 1990 का जो एक्ट आया था ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, मॉन्टेक्यू एंड कैंप्स फॉर रिफॉर्म्स. और उसी टाइम अगर हम बात करें तो स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर को प्रेसिडेंट और डेप्यूटी प्रेसिडेंट बोला जाता था और इनका यही नॉमेनक्लेचर रहता 1947 तक. अगर कोई आपसे पूछे कि पहले स्पीकर एंड फर्स्ट डेप्यूटी स्पीकर कौन रहे तो वो था फेडरिक वाइट एंड सच्चिदानंद सिन्हा. ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा तो आफ्टर इंडिपेंडेंस भी चेयर करा था उन्होंने. 1935 का एक्ट आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसने नॉमेनक्लेचर चेंज कर दिया. ठीक है, जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली होती थी, प्रेसिडेंट और डेप्यूटी बोलते थे ना, इसको स्पीकर और डेप्यूटी कर दिया. अच्छा, जो मैंने अभी आपसे ये बोला था ना कि सच्चिदानंद सिन्हा चेयर करते थे इंडिपेंडेंस के बाद, वो एक थोड़ी सी फैक्चुअल मिस्टेक थी. जी वी मावलांकर ये करते थे, है ना. आनंद स्वामी अयंगार, तो इन्होंने भी, ये फर्स्ट स्पीकर और फर्स्ट डेप्यूटी स्पीकर थे रेस्पेक्टिवली लोकसभा में. जी मावलांकर जो थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी स्पीकर की पोस्ट पे थे. ठीक है, एंड प्रोविजनल पार्लियामेंट के टाइम पे भी ही हेल्ड द पोस्ट ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा कंटिन्यूसली फॉर वन डिकेट, यानी कि 1946 से 56 तक रहे हैं. अब पैनल ऑफ चेयरमैन ऑफ लोकसभा का क्या यहाँ पर मतलब है, देखो एक पैनल बनाया जाता है जिसमें एटलीस्ट 10 चेयरपर्सन होते हैं. मान लीजिए जो स्पीकर है और डेप्यूटी स्पीकर दोनों ही एबसेंट है तो कौन बनेगा. तो ये जो पैनल या फिर एक लिस्ट मान लो, वैसे कुछ नहीं है, ये लिस्ट को तैयार किया जाता है कि अगर दोनों ही एबसेंट है तो जो थर्ड पर्सन है वो चेयर करने आ जाएगा, थर्ड भी एबसेंट है तो फोर्थ आ जाएगा, इस तरीके से. स्पीकर प्रो टेम, ये क्या होता है, ये क्या भाई, ये क्या बवाल है. देखो इसमें क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ये बताते हैं कि स्पीकर ऑफ द लास्ट लोकसभा जब भी वेकेट करेगा ना अपना ऑफिस, मतलब जब भी लोकसभा वेकेट होगी तो स्पीकर को अपनी सीट छोड़नी पड़ेगी, तो इनको फर्स्ट मीटिंग के पहले जो न्यूली इलेक्टेड लोकसभा है उसके पहले सीट वेकेट करनी है. तो इसमें क्या कहते कहते हैं, प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट एक मेंबर ऑफ द लोकसभा जो कि अभी इलेक्ट हुआ है उसको प्रोटेम स्पीकर बना देते हैं. ठीक है, जिसको स्पीकर प्रोटेम बोलते हैं. और यूजुअली ये देखा जाता है कि ये सीनियर मोस्ट मेंबर होते हैं लोकसभा के, है ना. एंड प्रेसिडेंट हिमसेल्फ एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ द ऑफिस प्रोटेम. ठीक है, ये बहुत ही बहुत ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रोटेम स्पीकर की ओथ को कौन बेसिकली एडमिनिस्टर करते हैं, तो वो प्रेसिडेंट होते हैं. सेम पावर होती है जैसे स्पीकर के पास होती है फर्स्ट सिटिंग ऑफ द न्यूली इलेक्टेड लोकसभा को ये चेयर करते हैं. इनकी मेन ड्यूटी ये है कि सब मेंबर्स को ओथ दिलाई जाए, एंड जो कि नए मेंबर्स इलेक्ट हुए हैं और जो नया स्पीकर आएगा उसको भी. जैसे ही नए स्पीकर का इलेक्शन हो जाएगा, जो कि नए मेंबर्स चुनेंगे, तो स्पीकर प्रोटेम का वर्क ख़त्म हो जाएगा और उनकी सीट्स भी, वो उनका बेसिकली दे ही और शी सीजेस टू एग्जिस्ट. ओके, एंड दिस ऑफिस इज अ टेम्पररी ऑफिस, सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही ये रहता है. अब बात करेंगे चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा.
इसमें प्रिसाइडिंग ऑफिसर को चेयरमैन बोलते हैं, ये वाइस प्रेसिडेंट होते हैं इंडिया के, है ना, जो कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। जब भी राज्यसभा में आएंगे तो ये चेयरमैन का काम करेंगे, उनके बाहर वाइस प्रेसिडेंट का। कभी भी वाइस प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट या फिर उसकी उनकी उनकी फंक्शन को डिस्चार्ज करते हैं। जब भी ये वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट का काम निभा संभालेंगे तो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा का ये काम नहीं निभा सकते, नहीं परफॉर्म कर सकते वाली ड्यूटी। तब उस टाइम पे डेप्यूटी चेयरमैन वगैरह होते हैं। अब चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा को कौन हटा सकता है? ये सिर्फ जब भी हटेंगे जब इनको वाइस प्रेसिडेंट के पद से हटाया जाएगा, है ना। तो जब ये वाइस प्रेसिडेंट नहीं रहेंगे ना, तो ये राज्यसभा के चेयरमैन भी नहीं रहेंगे। पावर फंक्शन प्रिविलेजेस की बात करें तो स्पीकर ऑफ द लोकसभा, उसके बारे में पढ़ा हमने, उन्हीं से सिमिलर होती है। हावेवर स्पीकर के पास ना दो स्पेशल पावर होती है जो कि चेयरमैन के पास नहीं होती, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट के पास नहीं होती। क्या? पहला कि जो मनी बिल होगा ना यही डिसाइड करते हैं, है ना, और इनका डिसीजन फाइनली होता है। स्पीकर की बात कर रहा हूँ मैं, और स्पीकर जॉइंट सिटिंग को भी प्रिसाइड करते हैं। ये दो प्रिविलेजेस वाइस प्रेसिडेंट या हम कहें कि चेयरमैन के पास नहीं होते। अब देखो, जैसे हम बात करें तो डिफरेंस ये है कि स्पीकर जो है वो मेंबर होते हैं हाउस के, है ना, लेकिन चेयरमैन ऐसा नहीं है, वो मेंबर नहीं होते ना उसके। बट लाइक द स्पीकर, चेयरमैन ऑल्सो कैन नॉट वोट फॉर द फर्स्ट इंस्टांस। ये भी कास्ट वोट कर सकते हैं, कास्टिंग वोट जो होगा अगर टाई हो जाता है या इक्वालिटी होता है वोट जाती तो। इस इनके केस में भी वही बात होती है, जब इनको हटाने का रेजोल्यूशन आएगा तो ये चेयर नहीं करेंगे, हालांकि प्रेजेंट रहेंगे, बोल सकते हैं, है ना, वोटिंग तो ये वैसे भी नहीं करते उस टाइम। डेप्यूटी चेयरमैन की बात कर लेते हैं, तो डेप्यूटी चेयरमैन जो राज्यसभा के होते हैं वो भी उन्हीं के मेंबर्स में से चुना जाता है, ये रिप्रेजेंटेटर है ना। तो इसमें क्या होगा कि जब भी राज्यसभा में जो चेयरमैन है उनकी सीट खाली होगी तो डेप्यूटी चेयरमैन प्रिसाइड करेंगे, और जब डेप्यूटी चेयरमैन की सीट खाली होगी तो हाउस जो है नया मेंबर इलेक्ट कर लेगा चेयर करने के लिए। और वही तीन केसेस में ये भी जो है वेकेट कर सकते हैं, यानी कि अगर ये राज्यसभा के मेंबर नहीं रहे, रिज़ाइन दे देते हैं और इनको रिमूव कर देते हैं बट द रेजोल्यूशन अभी तक नहीं हुआ। सेम इन द केस ऑफ द पैनल इन द लोकसभा, यहाँ पर भी एक पैनल होता है वाइस चेयरपर्सन का राज्यसभा में, ठीक है। तो ये नॉमिनेट करते हैं चेयरमैन ही कि कौन इसके पैनल पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन में बेसिकली इंक्लूड होगा। बात करते हैं सेक्रेटेरिएट की, पार्लियामेंट के सेक्रेटेरिएट को, कि देखो दोनों दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के पास सेपरेट सेक्रेटेरियल स्टाफ होता है ना, एंड इनमें से कुछ पोस्ट ऐसी होती है जो कॉमन होती है दोनों हाउसेज में। इनके रिक्रूटमेंट और सर्विस कंडीशंस पार्लियामेंट ही रेगुलेट करते हैं, एंड हर हाउस का जो सेक्रेटेरिएट होता है उसका एक सेक्रेटरी जनरल होता है, मैंने बताया था आपको, और ये परमानेंट ऑफिसर होता है, एंड इनको प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है जो हाउस का, वही अपॉइंट करते हैं। अब लीडर देख लो, लीडर कौन होते हैं पार्लियामेंट में? तो अगर हम बात करें तो लीडर ऑफ द हाउस, जैसे कि लोकसभा में, तो लोकसभा के रूल्स में ये लिखा हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो लीडर ऑफ द हाउस होंगे, है ना, नेता बोलते हैं ना सदन का नेता, तो वही प्राइम मिनिस्टर होते हैं। उसके अलावा अगर ये किसी मेंबर को चूज करते हैं, मिनिस्टर को, मेंबर को नॉमिनेट कर देते हैं टू फंक्शन एज अ लीडर ऑफ द हाउस, तो वो लीडर ऑफ द हाउस हो जाता है। लीडर ऑफ द हाउस जो है वो राज्यसभा में भी होते हैं, ठीक है, ये मिनिस्टर हो सकते हैं, मेंबर ऑफ द राज्यसभा हो सकते हैं, है ना, या फिर प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करते हैं वो हो सकते हैं, ठीक है। तो लीडर ऑफ द हाउस इन आइदर हाउस इज़ एन इम्पॉर्टेंट फंक्शनरी एंड एक्सरसाइज द डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन द कंडक्ट ऑफ द हाउस। ये लीडर के अलावा डेप्यूटी लीडर भी अपॉइंट कर सकते हैं, राइट रखना, है ना। सेम फंक्शन अगर हम देखें तो यूएसए में उनको बोला जाता है मेजोरिटी लीडर, ठीक है। इसी तरीके से अपोजिशन का लीडर भी होता है, वो कौन होता है वो देख लो आप। दोनों हाउसेज में लीडर ऑफ अपोजिशन होता है, तो लीडर ऑफ अपोजिशन होता है जो लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी होती है, जिसके पास एटलीस्ट 1/10 ऑफ द सीट होनी चाहिए, यानी कि अगर हम बात करें तो अगर 543 सीट हैं तो लगभग 54 सीट्स होनी चाहिए, है ना, ऑलमोस्ट। लेकिन ऐसी कोई सीट है क्या लीडर ऑफ अपोजिशन की? तब उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है एज अ लीडर ऑफ अपोजिशन, हालांकि कांग्रेस को बोला जाता है कि वो लीडर ऑफ अपोजिशन है। देखो ये जो हमारे मैम जो लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं ना लोकसभा में और राज्यसभा में, इनकी बहुत देखो इनको स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन मिलता है। 1977 में इनको स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन दिया था, यानी कि लॉ है इनके लिए। इनकी इनकी सैलरीज, अलाउंसेज और जो फैसिलिटीज होती है ना वो कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर होती है, इतनी छोटी बात नहीं है अपोजिशन का नेता बनना। सो 1969 में क्या होता है कि एक ऑफिशियल दैट एन ऑफिशियल लीडर ऑफ द अपोजिशन वॉज रिकॉग्नाइज फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन पार्लियामेंट।
सेम फंक्शनरी यूएसए में भी होते हैं, उनको माइनॉरिटी लीडर बोलते हैं। इसके अलावा ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम में अगर हम देखें तो एक होता है शेडो कैबिनेट, जिनको बोलते हैं अपोजिशन पार्टी ही होती है वो, है ना, जो कि सेम लेवल, मुझे बहुत पसंद है वाला कॉन्सेप्ट शेडो कैबिनेट का। देखो इंडियन जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसका एक ही जो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है वो शेडो कैबिनेट है। इंडिया में इसको लागू करना चाहिए अपन को, जैसे कि हमारे मिनिस्टर है डिफेंस के मान लीजिए, फॉरेन मिनिस्टर मान लीजिए, तो उसी के अपोजिशन में अपोजिशन की पार्टीज़ क्या करती हैं, अपने मिनिस्टर्स बना देती हैं, ठीक है। जैसे कि अपोजिशन का मिनिस्टर ऑफ डिफेंस है ना फॉरेन मिनिस्टर, तो वो उनको टैकल करते हैं। तो शेडो कैबिनेट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट टू क्रिएट अ बैलेंस, है ना, कि जो रूलिंग कैबिनेट है वही सब कुछ ऑटोक्रेटिकली ना करते रहे, है ना। और ये ऑल्टरनेटिव भी प्रोवाइड करते हैं कि हम ऑल्टरनेट प्रोवाइड करा रहे हैं, अगर किसी दिन की सरकार गिरती है तो हम टेक ओवर कर लें। सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज ऑल्टरनेट कैबिनेट, है ना। आईवो जेनिंग ने डिस्क्राइब किया है लीडर ऑफ अपोजिशन को एज एन अल्टरनेटिव प्राइम मिनिस्टर, राइट, एंड इज पेड बाय द गवर्नमेंट। विप की बात कर लेते हैं, विप जो है वो, विप क्या होता है, देखो विप ना जो लीडर ऑफ द हाउस का ऑफिस है या फिर लीडर ऑफ अपोजिशन का जो ऑफिस है ना, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं किया। ये रूल्स ऑफ द हाउस एंड पार्लियामेंट्री स्टेट्यूटरीज है उसके अंदर मेंशन किया गया है, राइट। तो ऑफिस ऑफ विप क्या होता है, अदर हैंड इज मैंशन नाइदर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ना ही वो रूल्स ऑफ द हाउसेज, ना ही कोई पार्लियामेंट्री स्टेट्यूटरी या लॉ में मैंशन है। ये सिर्फ एक कन्वेंशन है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के अंदर। देखो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी लेकिन हाउस में होना चाहिए वो, है ना, या रूलिंग हो या अपोजिशन हो, उन सब के पास अपनी अपनी वेब होती है इन द पार्लियामेंट। अभी अगर कोई पर्सन अपॉइंट किया जाता है बाय द पॉलिटिकल पार्टी टू सर्व एन असिस्टेंट फ्लोर लीडर, अब इसी से ही डिसाइड होता है कि क्या प्रेजेंस रहेगी एब्सेंस रहेगी मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट की। और ये मेंबर्स को फॉलो भी करना होता है जो भी डायरेक्शन दिए जाते हैं विप के द्वारा, ठीक है। अदरवाइज उन पर फिर डिसिप्लिनरी एक्शन होते हैं और डिफेक्शन के कानून भी उन पर लग सकते हैं। अब अगले लेसन में देखेंगे हम सेशन ऑफ द पार्लियामेंट और जो फर्दर टॉपिक्स हमारे बचे हुए हैं, ठीक है। तो जब तक स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ नाइस डे गाइस, प्लीज़ जो है इसको शेयर करो जितना हो सके उतना, ठीक है। तो फिर उसके बाद जो है नए नए कोर्सेज आपके लिए लेकर के आए जाएंगे एंड ऑल ईच एंड एवरी थिंग विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट, ओके। सो डू नॉट वरी, वी आर हियर टू वर्क फॉर यू। यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द लेसन, ओके।